ओम शांति। हम रोजाना एक वरदान का मंथन करते हैं। आज है 24वां वरदान। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को, जो कलयुग का सबसे बड़ा पहाड़ है, हर आत्मा में इतनी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव, अपने अंदर हर आत्मा के अंदर इतनी समर्थ बनाया जाए ताकि सबके अंदर से कलयुगी पर्वत खत्म हो जाए, कमजोरियां सारी खत्म हो जाए, ऐसा समर्थ उनको बनाना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, डिप्रेशन में जाना, दिल शिकस्त होना माना डिप्रेशन में जाना, या किसी आदत के आदत व परिस्थिति के वशीभूत होना, क्या करो, ये मुसीबत आ गई है ना, या ये जो मेरी आदत है ना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, ना किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना है। नफरत में भी आकर्षण होता है, प्यार में भी आकर्षण होता है, क्योंकि हर वक्त उसी का ही बुद्धि में ख्याल रहता है, चिंतन रहता है। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप ने सिद्धि का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फालो पादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। सर्व गुणों के क्या बनो? स्तंभ बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।